भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी यात्रा पर निकल चुका है। इस बीच इसके लिए काम कर रहे वैज्ञानिकों को लेकर एक हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया है। जब आप सूर्य की ओर लक्ष्य कर रहे हो तो अच्छी महक लेना कोई विकल्प नहीं है। आदित्य L1 के मुख्य पेलोड पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए कम से कम ये सख्त मनाही थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की टीम, जिसने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाले प्रयासों को समझने के लिए आदित्य के मुख्य पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का निर्माण किया था, उन्हें सभी प्रकार के परफ्यूम और स्प्रे से दूर रहने की सख्त हिदायत थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ को बेंगलुरु के पास होस्कोटे में स्थित अत्याधुनिक वाइब्रेशन एंड थर्मोटेक फैसिलिटी में विकसित किया गया था। इसी फैसिलिटी में कंपोनेंट लेवल वाइब्रेशन डिटेक्टरों और ऑप्टिकल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस इंटीग्रेशन के बाद क्लीन रूम में से एक हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया, जहाँ टीम ने भविष्य के खोजकर्ताओं से मिलते जुलते फुल सूट रिहर्सल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्चार्ज और प्रदूषण फैलाने वाली चीजों को क्लीन रूम से दूर रखने का अभ्यास किया। क्लीन रूम में परफ्यूम लगाकर आना भी प्रतिबंधित था और टीम के हर एक सदस्य को अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। वैज्ञानिकों ने जो सूट पहना वे सेंसर और ऑप्टिकल की रक्षा करने वाली ढाल थे, जबकि क्लीन रूम एक अभ्यारण की तरह था। BELC तकनीकी टीम के प्रमुख नागा बुचाना एस ने बताया कि क्लीनिक रूम अस्पताल के ICU से 1,00,000 गुना ज्यादा साफ रखना पड़ता था। BELC तकनीकी टीम के सदस्य IIA के सनल कृष्णा ने कहा कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए HEPA फिल्टर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और कठोर प्रोटोकॉल का पालन किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य पार्टिकल हमारी प्रक्रिया में व्यवधान न उत्पन्न करे। उन्होंने आगे बताया कि एक भी पार्टिकल के डिस्चार्ज से हमारी कई दिनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। मालूम हो कि वैज्ञानिकों ने 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने मेडिकल स्प्रे का इस्तेमाल भी करने से परहेज किया। हालांकि कई वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि क्लीन रूम में साफ सफाई होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इससे पहले के मिशनों के दौरान परफ्यूम लगाना नहीं छोड़ा था। वही वैज्ञानिकों में से एक ने कहा कि शायद IIA वैज्ञानिक इस बार अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे। आपको बता दें कि इसरो का पहला और सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है। अब इसके ऑर्बिट को बढ़ाने और लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर ले जाने के लिए इसरो काम शुरू करेगा।